हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम एक नई वीडियो के साथ शुरुआत करेंगे। आपको किलोवाट से एम्पियर कैसे हम लोग चेंज करते हैं, उसका क्या फार्मूला है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे आज। ठीक है, किलोवाट से एम्पियर हम लोग कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में हम पूरा बताएंगे। थ्री फेस कोई भी आपका लोड रहेगा, मोटर का लोड हो, पंप का लोड हो, लाइटिंग का लोड हो, फैन का लोड हो, अगर थ्री फेस है उसका और किलोवाट में आपका लोड है तो उसको हम एम्पियर में कैसे शो करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका क्या फार्मूला है, मैं पूरा आपको बता रहा हूँ वन बाई वन। ठीक है, इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरे अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, किलोवाट कोई भी पंप हमारा अगर सपोज किलोवाट है, 5 किलोवाट का है, आज हम 5 किलोवाट के हिसाब से आपको बताएंगे, पूरा कैलकुलेट करके पूरा हिसाब करके आपको बताएंगे कौन सा फार्मूला हम यूज करते हैं, उसके हिसाब से हम पूरा आपको डिटेल बताएंगे। अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमारा पंप 5 किलोवाट का है, तो 5 किलोवाट का अभी हमारा वाट में उसको फर्स्ट हम चेंज करेंगे। ठीक है, अभी हमारा 5 किलोवाट है तो उसको 5000 वाट हो जाएगा, 5 किलोवाट इंटू 1000 वाट में कैलकुलेट करेंगे तो 5000 वाट हो जाएगा। ठीक है, हमारा 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, इसलिए हम उसको 5 किलोवाट से 1000 में गुना करेंगे तो हमारा 5000 वाट हो जाएगा। ठीक है, अब एक किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है तो हम 5 × 1000 करेंगे तो 5000 वाट हो जाएगा। ठीक है, किलोवाट को हम वाट में चेंज करने के लिए हमेशा करते हैं। ठीक है, मान लीजिए अभी हमारा उसका जो फार्मूला है वो फार्मूले के हिसाब से हमको वाट में चेंज करना पड़ेगा तभी हमारा उसका एम्पियर निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी एम्पियर का सिंबल आई है तो आई बराबर वाट बटा √3 इंटू वोल्टेज इंटू cos φ। cos φ हमारा पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर हमारा कितना है वो पावर फैक्टर हम लिख के उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। ये हमारा वाट हो गया, √3 का मैं पूरा बता रहा हूँ। अभी एम्पियर निकालने के लिए हम फर्स्ट वाट लिखेंगे, कितना वाट हमने चेंज करके रखा है, 5000 हो गया हमारा, 5000 वाट हो गया। अभी √3 का वैल्यू हमारे पास 1.732 होता है, √3 का वैल्यू। ठीक है, तो हम √3 का वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद वोल्टेज है हमारा, उसके बाद cos φ है। ठीक है, अभी हमारा 173 हो गया √3 का वैल्यू इंटू वोल्टेज हमारा 415 वोल्ट है, तो 415 वोल्ट हम लिखेंगे। ठीक है, वोल्ट बराबर 450। ठीक है, वोल्टेज अभी हमारा 415 है तो 415 हम लिखेंगे। ठीक है, अगर किसी किसी कंट्री में अलग अलग टाइप का वोल्टेज होता है आप वोल्टेज वो हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन फार्मूला पूरा सेम ही होता है। ठीक है, अभी वोल्टेज हमारा 415 लिख दिया। अभी हमारा cos φ है, पावर फैक्टर कितना है, कौन सा कंट्री में, सब जगह में अलग अलग थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है। मैं 0.8 के हिसाब से मैं करके आपको बताता हूँ पावर फैक्टर हमारा जो है। पावर फैक्टर क्या है इसके बारे में भी एक दूसरा वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, पूरा डिटेल। आज हम किलोवाट से एम्पियर कैसे चेंज करते हैं, कैसे मालूम पड़ेगा हमारा किलोवाट में अगर कुछ लोड है, मोटर है, फैन है, तो कैसे हमको मालूम पड़ेगा कि एम्पियर इसका कितना एम्पियर लोड होगा, हमको एम्पियर में कैसे मालूम पड़ेगा, इसलिए हम इसको एम्पियर के हिसाब से आपको बताएंगे। ठीक है, अभी हमारा 5 किलोवाट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 5 किलोवाट है तो कितना एम्पियर होगा उसका पूरा कैलकुलेट करके मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी 5 किलोवाट के हिसाब से मैं पूरा नीचे का अपना √3 का वैल्यू है, वोल्टेज है इंटू cos φ, तो दोनों का हम हिसाब करके, दोनों का हिसाब करेंगे तो हमारा आपके हिसाब से 575.02 समथिंग आता है। ठीक है, अभी मैं कैलकुलेटर में हिसाब किया, इसके लिए थोड़ा डिले हो गया, नो प्रॉब्लम। अभी आप देख सकते हैं 5000 × 575.0.24 आ रहा है। तब इसमें हम दोनों में भागा करेंगे। ठीक है, दोनों को भाग करेंगे तो हमारा कितना वैल्यू आएगा वो हमारा एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारा ऊपर का जो दिख रहा है 5000 वो हमारा वाट है, 5 किलोवाट का हम वाट में कन्वर्ट किया तो 5000 हो गया।
अब नीचे का जो हमारा है वो हमारा टोटल हिसाब है रूट थ्री का, कॉस फाइव का और वोल्टेज का। अभी हमारा टोटल एम्पियर आ रहा है 8.6 समथिंग आ रहा है, मतलब 8.6 एम्पियर समथिंग आ रहा है टोटल लोड हमारा, ठीक है। मतलब 5 किलोवाट के हिसाब से हमारा 8.6 आ रहा है समथिंग एम्पियर थ्री फेस में। थ्री फेस का कुछ मोटर है, फैन है, तो अगर 5 किलोवाट का है तो उसके हिसाब से हम अगर हिसाब पूरा करने के बाद में हमारा 8.6 समथिंग आ रहा है, ठीक है। इस हिसाब से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। सपोज आपका कुछ लोड है 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, जो भी है आपका लोड, उस लोड को आप किलोवाट में है तो आप उसको एम्पियर में चेंज करने के लिए, एम्पियर के हिसाब से आपको देखने के लिए आप इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। इससे बिल्कुल आसानी से आपको निकल जाएगा कि हमारा 1 किलोवाट का पंप है तो कितना एम्पियर होगा, 2 किलोवाट का है तो कितना एम्पियर होगा। और एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारा आई, आई बोलेगा तो आई का सिंपल हमारा एम्पियर है, एम्स का सिंबल आई में हम लोग लिखते हैं, सिंबल है उसका। ये रूट थ्री है तो रूट थ्री का वैल्यू मैंने आपको बताया है 1.732 है। ये वोल्टेज है 415 वोल्ट रखा हूँ मैंने, और ये कॉस फाइव है, कॉस फाइव 0.8 रखा हूँ मैंने, ठीक है। तो ये पूरा इसके हिसाब से हम ये तो 8.6 समथिंग आ रहा है, मतलब थ्री फेस में हमारा 5 किलोवाट का 8.6 समथिंग एम्स आ रहा है। तो आप ऐसा कुछ भी लोड रहेगा तो कितना किलोवाट का रहेगा उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो बिल्कुल ईजिली, ठीक है, ये फार्मूला यूज करके। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिंगल फेस के बारे में भी बताऊंगा, सिंगल फेस अगर कोई लोड है किलोवाट में तो उसको कितना एम्पियर होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में वो बता दूंगा, ठीक है, अच्छी तरह समझा दूंगा। और जो भी कुछ इलेक्ट्रिकल से आपको डाउट रहेगा तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं आपको उसके हिसाब से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। कुछ भी डाउट रहेगा कंट्रोल पैनल से इलेक्ट्रिकल से संबंधित कुछ भी रहेगा तो आप हमारे को बोलिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर कुछ आपको डाउट रहेगा तो बोल सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, मैं उसके हिसाब से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आई होप आप सबको लोग को अच्छा सा समझ में आया होगा मेरा ये फार्मूला। फिर भी आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है।